सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम व्यावसायिक संनियम के अंतर्गत आने वाले एजेंसी के अनुबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। आज जब व्यापार का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर विस्तृत हो चुका है, फैल चुका है, बढ़ चुका है, ऐसे में एक अकेला व्यक्ति हर स्थान पर जाकर स्वयं अपने ग्राहकों या उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध नहीं कर सकता, व्यापारिक अनुबंधों को नहीं कर पाता, तो उसे अपने कुछ प्रतिनिधियों अभिकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो जब एक व्यक्ति अपने स्थान पर अपनी ओर से अनुबंधों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त देता है तो ऐसा कार्य एजेंसी के अंतर्गत आता है। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति यानी नियोक्ता, प्रधान या मालिक की ओर से तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंध स्थापित करने का कार्य करता है तो उसे हम एजेंट कहते हैं और नियोक्ता तथा अभिकर्ता के बीच में स्थापित वैधानिक संबंध को एजेंसी कहा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए अथवा तीसरे पक्ष या अन्य व्यक्तियों के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया हो एजेंट कहलाता है। वह व्यक्ति जिसका कार्य करने के लिए अथवा प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है प्रधान कहलाता है। मद्रास उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश रामास्वामी ने कृष्ण बनाम गणपति के केस के के संबंध में कहा था कि एजेंट केवल उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो नियोक्ता, प्रधान या मालिक के लिए व्यापारिक वार्तालाप कर सके, अर्थात प्रधान की ओर से अनुबंध कर सके, उनकी शर्तों में परिवर्तन कर सके या उसे अनुबंधों को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो। तो स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व का गुण जो कि नियोक्ता या प्रधान से प्राप्त होता है एजेंट के लिए एक विशेष लक्षण होता है। तो सामान्यतः है एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य पक्षकार का वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है और प्रधान तथा तृतीय पक्षकार के बीच में एक योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। एजेंट कोई भी व्यक्ति बन सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि एजेंट में स्वयं में अनुबंध करने की क्षमता हो, इसलिए वह अन्य किसी संबंध से भिन्न होता है और वह नियोक्ता के स्थान पर स्वयं कार्य कर सकता है, यह अधिकार उसे प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि एजेंसी क्या है। तो स्पष्ट होता है कि नियोक्ता और अभिकर्ता के बीच में जो वैधानिक संबंध स्थापित होता है वही एजेंसी के रूप में जाना जाता है। कहा जा सकता है कि एजेंसी से आशय जब नियोक्ता अपने वैधानिक कार्यों का निष्पादन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति अर्थात अभिकर्ता को तीसरे व्यक्ति या तृतीय पक्ष के साथ वैधानिक संबंध स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है तो ऐसी दशा में नियोक्ता और एजेंट के मध्य विद्यमान अनुबंधात्मक संबंधों को ही एजेंसी की संज्ञा दी जाती है, एजेंसी कहा जाता है। अंग्रेजी राजनियम के अनुसार एजेंसी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति द्वारा तीसरे के पास इस उद्देश्य से नियुक्त किया जाता है जिससे कि नियोक्ता तथा तीसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच वैधानिक अथवा कानूनी संबंध स्थापित हो सके। तो जब नियोक्ता या प्रधान वैधानिक अभिकर्ता की नियुक्ति करता है तो उनके बीच में जो वैधानिक संबंध स्थापित होता है, उत्पन्न होता है, उसी को एजेंसी कहा जा सकता है। तो स्पष्ट है कि एजेंसी का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति अर्थात नियोक्ता किसी दूसरे व्यक्ति एजेंट या अभिकर्ता को वैधानिक रूप से नियुक्त करता है और जो प्रधान या नियोक्ता का तीसरे व्यक्ति या पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंधों की स्थापना कर सकता है।
तो ये जो संबंध वैधानिक संबंध है वह एजेंसी कहलाता है, लेकिन अब ये देखते हैं कि इस एजेंसी के आवश्यक तत्व क्या हैं या उसके लक्षण क्या हैं। पहला तो ये है कि क्योंकि एजेंसी भी एक अनुबंध है इसलिए इसमें अनुबंध के सामान्य लक्षण पाए जाते हैं, तो अन्य अनुबंध के लक्षणों के भांति इसमें भी पक्षकारों की संख्या कम से कम दो होनी चाहिए, अर्थात एक नियोक्ता होना चाहिए और एक एजेंट तो होना ही चाहिए, तो कम से कम दो पक्षकारों का होना जरूरी है। फिर है नियोक्ता और एजेंट के बीच में, अभिकर्ता के बीच में ठहराव का होना, ये तभी माना जाएगा, एजेंसी की उत्पत्ति भी तभी मानी जाएगी जब उनके बीच में वैधानिक प्रस्ताव और स्वीकृति होती है, परंतु ये स्पष्ट है कि ठहराव स्पष्ट या गर्भित भी हो सकता है। नियोक्ता की योग्यता, क्योंकि एजेंट के द्वारा नियोक्ता के नाम से, नियोक्ता के लिए, नियोक्ता की ओर से कार्य किया जाता है तृतीय पक्षकार के साथ, इसलिए एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए नियोक्ता जिम्मेदार होता है। यही कारण है कि नियोक्ता में अनुबंध करने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए, अर्थात नियोक्ता वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क का हो और किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। एजेंसी की उत्पत्ति संबंधों से होती है और ये संबंध विश्वास पर आधारित होते हैं, तो इनके बीच में विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। फिर नियोक्ता द्वारा एजेंट को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार प्रदान किए जाते हैं, और एक और जो विशेषता है वह नियोक्ता की ओर से कार्य करने का अभिप्राय होता है दोनों ही पक्षों की ओर से। एजेंट की नियुक्ति भी नियोक्ता की ओर से कार्य करने के अभिप्राय से होती है, और एजेंट के द्वारा भी किया जाने वाला कार्य नियोक्ता से और नियोक्ता की ओर से करने का अभिप्राय होता है। एजेंट में योग्यता का होना जरूरी नहीं है, योग्यता का अर्थ है एजेंट में यह आवश्यक नहीं है कि उसमें करने की योग्यता हो, क्योंकि एजेंट के द्वारा किया गया कार्य नियोक्ता का माना जाता है। फिर एक और तत्व है कि एजेंसी में प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती या जरूरी नहीं, अनिवार्य नहीं है। सेक्शन 185 के अनुसार एजेंसी की स्थापना के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं होता। प्रधान के प्रति दायित्व, एजेंट का प्रधान के दायित्व होता है यदि एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता हो, और यदि एजेंट में स्वयं में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती तो एजेंट का प्रधान के प्रति दायित्व नहीं होता, लेकिन एजेंट के द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रधान जिम्मेदार होता है। एक और विशेषता है कि एजेंट द्वारा किया गया कार्य नियोक्ता का कार्य माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जो दूसरे के माध्यम से कार्य करता है स्वयं उसको करने वाला माना जाता है, क्योंकि नियोक्ता स्वयं अपनी ओर से कार्य करने के लिए एजेंट की नियुक्ति करता है, इसलिए एजेंट के द्वारा किया हुआ कार्य नियोक्ता का माना जाता है। और अंतिम है कि एक वैध अनुबंध के लक्षण जैसे सामान्य अनुबंध में होते हैं वे लक्षण भी इसमें पाए जाते हैं, होते हैं लेकिन कुछ को छोड़ देते हैं। तो एजेंसी में सभी वैध अनुबंध के लक्षण होते हैं, वैध अनुबंध के सभी लक्षण होते हैं, किंतु अपवाद को छोड़ देते हैं। जैसे एजेंसी अनुबंध में एजेंट में अनुबंध करने की क्षमता का होना जरूरी नहीं, साथ ही जैसा कि कहा जाता है प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, लेकिन अपवाद में एजेंसी के अनुबंध आते हैं, अर्थात एजेंसी के अनुबंधों के लिए प्रतिफल की अनिवार्यता नहीं होती। तो ये कुछ बिंदु थे जिन पर आज हमने विचार विमर्श किया है। आगामी अंक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।